हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश वर्मा है और आज मैं आपसे मेरा जो गेट प्रिपरेशन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। दरअसल मैं कोरा पे एक्टिवली ईएससी और गेट के रिगार्डिंग आंसर्स लिखता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर कई स्टूडेंट्स ने कई बार मुझसे मैसेज किया है कि कैसे वो प्लान करें प्रिपरेशन को, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करें। ठीक है, तो ऐसा कोई रेडीमेड प्लान तो होता नहीं है कि मैं सारे बच्चों को बता दूं और सब कोई रैंकर हो जाए, क्योंकि हर एक बंदा यूनिक होता है। उसकी स्ट्रेटजी जो उसको सूट करेंगी, जो प्लान्स उसको सूट करेंगे, वो हर बंदे का अलग होता है, हर स्टूडेंट में वो डिफ़र करता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लान जो आपको डिवाइस करना है, ये जो स्ट्रेटजी आपको बनानी है, इसके लिए आप बस इंफॉर्मेशंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशंस मिलती कहाँ से हैं, ये इन्फॉर्मेशन्स आपको जो गेट रैंकर्स हैं और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले गेट क्रैक किया है उनके एक्सपीरियंसेस से आप ले सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से यही एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पहले ही बिफोर हैंड ही पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने ये 2015 में NIT दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में बीटेक कंप्लीट किया। मुझे तब एक कैंपस प्लेसमेंट भी मिल गया था एक कोर कंपनी में, उसकी ज्वाइनिंग जो थी वो थी जुलाई 2015 में। ठीक है, तो जुलाई तक का तो सब कुछ ठीक चल रहा था, आई वॉज गोइंग विद द फ्लो, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहा। लेकिन जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उससे एक रात पहले मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अंदर से कि क्या मैं प्राइवेट सेक्टर में ही हमेशा कंटिन्यू करना चाहता हूँ या फिर एक बार मैं गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। तो अंदर से बहुत ही एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि मुझे एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करूँगा ट्राई तो लेटर ऑन जब एज निकल जाएगी हो सकता है तब रिग्रेट फील हो। तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं प्राइवेट जॉब के लिए, तो फिर बाद में भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो फिर तभी मैंने एक रात पहले, ज्वाइनिंग से एक रात पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करनी तैयारी, और ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करूँगा, आई विल गो फॉर अ कोचिंग, मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा दिल्ली में। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि 6-7 महीने जॉब कर लेते हैं, कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, एक्सपेंसेस कट करके थोड़ी कंजूसी करके कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे 6-7 महीने में, तो उससे मैं सस्टेन कर लूँगा मेरी प्रिपरेशन, तो घर से उतना पैसा नहीं लेना पड़ेगा। तो मुझे याद है इट वॉज़ एंड ऑफ जनवरी और द फर्स्ट वीक ऑफ फेब मैंने रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, और मैंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे। तो अब जब बारी आई कि अब तैयारी करने आना है, दिल्ली आना है, तो उससे पहले मैंने कुछ अपने दोस्तों से, कुछ सीनियर्स जिनकी ऑलरेडी रैंक आ चुकी थी, जो पहले प्रिपरेशन कर चुके थे, उनसे कुछ कंसल्ट किया। तो उन्होंने फिर मुझे एक ट्रू पिक्चर दी कि कैसे होती है दिल्ली में, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तैयारी होती है कैसे होती है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो भाई 6-7 घंटे तो नॉर्मली क्लासेस चलती हैं, कभी कभी 12 घंटे भी चल जाती हैं, और फिर घर पर आके आपको 3-4 घंटे फिर प्रिपेयर करना है, फिर आपको रिवाइज़ करने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस बुकलेट्स लगानी है। तो ये सब उन्होंने मुझे बताया, और ये भी कह रहे थे कि 8-8 10-10 दिन में तो सब्जेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो जब मैंने ये सब सुना तो मुझे लगा कि मेरा जो लाइफस्टाइल है, जो मेरे तरीके हैं, जो मेरी हैबिट्स हैं, जो मेरे शौक़ हैं, वो तो कंपैटिबल है ही नहीं प्रिपरेशन के लिए। मेरे सोने का टाइम 12-12 घंटे सो जाते थे, कभी कभी पूरे दिन टीवी सीरीज़ देख रहे हैं, 2-2 सीज़न एक दिन में ख़त्म कर देते थे, और लेट में सोना, लेट में उठना, कभी भी खाना खाना, तो ये एकदम भी कंपैटिबल नहीं था। अगर मैं इस लाइफस्टाइल के साथ प्रिपरेशन करने जाता तो पक्का था कि मैं फेल कर जाता। तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि पहले खुद को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे उन दिनों, शायद एक मार्च में एक बैच शुरू हो रहा था, फेब या मार्च में, और एक था मई, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ मई में एक बैच शुरू हो रहा था ईएससी और गेट का मेडिजी में, क्योंकि उस वक्त मेडिजी ही अच्छी थी और मेरे सीनियर्स ने भी बोला था मेडिजी कोचिंग अच्छी है दिल्ली में, तो वही ज्वाइन कर लो। तो मैंने सोचा अगर ड्रॉप कर ही रहे हैं, रिज़ाइन दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट गो विद द बेस्ट। तो मैंने फिर मेडिजी का ही प्लान किया था। तो उन दिनों मेरा मन तो कर रहा था कि मैं तुरंत ज्वाइन कर लूँ, मतलब कि फरवरी मार्च जो लेटेस्ट बैच है उन्हीं को कर लूँ, लेकिन मैंने खुद को रोका कि नहीं, पहले खुद को थोड़ा ठीक करते हैं, खुद पे वर्क करते हैं, खुद को प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो मैं फिर दिल्ली नहीं आया, मैं सीधा घर गया अपने। तो वहाँ पर जाके मैंने फिर धीरे धीरे अपना रूटीन सुधारा, जैसे कि पहले मैं सोता रहता था, 10 बजे तक सोता था,
फिर मैंने धीरे धीरे उसको कम किया, 9 बजे उठा, 8 बजे, 7, फिर अर्ली मॉर्निंग उठने लग गया मैं। पहले लेट नाइट तक सोता था, 12, 1, 2, 3 बज जाते थे कभी कभी तो मैंने सोने का टाइम भी सही किया। तो मैं 8:30-9 बजे तक का मैंने टाइम ले आया था सोने का, और सुबह उठने का 4 बार गया रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन इसको मैंने प्रैक्टिस में रखा, 1-2 दिन नहीं, मैंने कम से कम 2 महीने इसको प्रैक्टिस में रखा ताकि मेरी बॉडी सेट हो गई उसके लिए। खाने की आदतें मैंने सही करी, मैं जो उल्टा सीधा खाता था वो मैंने कम किया, टाइमली खाना शुरू किया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में कुछ स्नैक्स ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये तो हो गया, मेरे रूटीन ऐसे सेट हुआ। फिर मैंने एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की थी वो था कि मैंने लॉन्ग सिटिंग आवर्स की प्रैक्टिस करी। जैसे कि सब लोग जानते होंगे, मैंने बताया भी अभी, कि जो कोचिंग क्लासेस होती हैं उसमें 6-7 घंटे, कभी कभी 10-12 घंटे तक का क्लासेस चलती हैं। मतलब कि आपको टेबल और चेयर पे बैठे रहना है, सुनते रहना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ टीचर को, और नोट्स बनाने हैं। तो ये सिटिंग, लॉन्ग सिटिंग आज की मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। मैं टेबल और चेयर लेता था, क्योंकि पहले की आदत होती थी कि लेट के पढ़ जाते थे, इधर उधर बैठे पढ़ लेते थे, है ना। तो वो वैसे नहीं पढ़ सकते थे ना, क्योंकि आप क्लास में तो एक डेकोरम होता है क्लास का, वो आपको फॉलो करना होता है। तो मैंने फिर लॉन्ग सिटिंग आज की प्रैक्टिस करनी शुरू करी। तो मैं एक टेबल और चेयर लेकर के बैठ जाता था शुरुआत में 1 घंटा, फिर ऐसे ऐसे 1.5-2 घंटे कर करके मैंने अपने सिटिंग आस को बढ़ाया। शुरुआत में जब मैं ये प्रैक्टिस करता था तो मेरा ब्रेन जो है वो टायर्ड हो जाता था, फॉगी हो जाता था, कमर में दर्द होने लगता था, नींद आने लगती थी। लेकिन धीरे धीरे जब 1-1.5 महीना मैंने कॉन्टिन्यूसली डेली ये काम किया, ये प्रैक्टिस करी, तो फिर मेरी आदत बन गई, तो मेरी हैबिट्स सुधरने लग गई, ठीक है। तो फिर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मैंने खुद पे काम किया, ठीक है। और फिर मई 11 मुझे अच्छे से याद है, मैंने ESE और गेट का बैच ज्वाइन कर लिया। तो जब मैंने पहली क्लास अटेंड करी, जो पहली सब्जेक्ट की क्लास थी, तो लगभग उस क्लास में 350-400 बच्चे थे। सभी काफ़ी मोटिवेटेड थे, सब पढ़ना चाहते थे, एकदम गेट निकालना चाहते थे, ठीक है। तो जैसे ही 1-1.5 घंटा क्लास प्रोग्रेस करी और मैंने जब आसपास देखा अपने, तो ये देखा कि कई बच्चे हेड डाउन करके बैठे हुए थे, कुछ लोग सर पकड़ के बैठे हुए थे, कई लोग तो लग रहा था कि सो ही जाएंगे, है ना। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो 2 महीने मैंने खुद पे काम किया था, जो अपने सिटिंग आवर्स मैंने थोड़े थोड़े करके बढ़ाए थे, तो वो बहुत ही ज़रूरी था। मुझे तब पता लगा कि मैंने बहुत ही सही कदम लिया, पहले खुद पे काम किया, ठीक है। तो मैं इससे आपको यही एक सजेशन दूंगा कि आप अपने आप को समझिए, अपनी बॉडी को, अपनी कैपेसिटीज़ को, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को समझिए, और प्रिपरेशन मोड में जाने से पहले खुद पे काम करिए। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और स्ट्रांग बनाइए, जो आपकी वीकनेस हैं उनको कम करिए, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, ठीक है। तो आप एक बार खुद को एक बार एस्टिमेट करके एक प्री प्रिपरेशन प्लान बनाइए और खुद पे काम करिए। तो फिर क्या, 3-4 महीने आराम से निकल गए। डेली क्लास अटेंड करो, आकर के क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ और रेगुलर रिविजन्स करते रहो, ऐसे चलता रहा। 3-4 महीने स्मूथली गए। फिर क्या हुआ, जब अक्टूबर नवंबर आता है तो क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं। अब आपका रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन्स, सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन्स बढ़ जाते हैं, और आपको अब टेस्ट सीरीज़ भी देना शुरू करना है, नए सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और जो खासकर जो ESE के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका जनवरी में पेपर है, उनको नॉन टेक भी पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो बहुत ही नेचुरल है कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आप थोड़ा नर्वस हो जाएं, थोड़ी एंगजाइटी आ जाए, आपको डर लगने लगे। तो ऐसे टाइम पे आपको बस रुकना नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपके पास एक स्ट्रेटजी है, जैसे मेरे पास स्ट्रेटजी थी कि मुझे रिपीटेड रिवीजन करने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, और टेस्ट सीरीज देनी है रेगुलरली। तो मुझे पता था मुझे करना क्या है, मुझे डायरेक्शन पता था। बस ये है कि कभी कभार स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, कुछ अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, जैसे कि एक आध दिन बीमार पड़ गए। तो बस आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। सुबह उठे, पढ़े, रिवाइज किया, क्वेश्चंस लगाए, टेस्ट दिया, फिर सोए, फिर उठे, बस टाइम आपको इस तरह से बिताते जाना है, फिर अपने आप चीज़ें कवर होती आती हैं, बस रुकिएगा नहीं। तो फिर क्या होता था, दिसंबर तक का काफ़ी लोड हो जाता था, काफ़ी चीज़ें करते गए। लेकिन जब दिसंबर आया तो क्योंकि मैंने करता गया, एक भी दिन वेस्ट नहीं किया, कई बार रिवीजन हो चुका था, तो थोड़ा सा रिलैक्स था। जनवरी 1st वीक में ESE प्रीलिम्स का पेपर था, और दिसंबर में मैंने कोर्स लगभग ख़त्म कर लिया था,
और कुछ चीज़ें रिवीजन को, नॉन टेक के का सब्जेक्ट्स बचे थे, टेस्ट सीरीज़ देनी थी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ देनी थी, तो वो भी हो गई। तो इस तरह से मेरा जो कोर्स था एएससी का, वो मैंने ऑलमोस्ट दिसंबर एंड तक ख़त्म कर दिया था, और फिर मैंने पेपर भी दिया और मेरा एएससी प्रीलिम्स अच्छा भी गया था। प्रीलिम्स होने के बाद मुझसे एक गलती हो गई। जो गेट का पेपर था वो था फेब फर्स्ट वीक में, और एएससी प्रीलिम्स हो गया था जनवरी फर्स्ट वीक में। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ थे प्रिपरेशन के लिए। मुझे बस क्या करना था, मुझे जो मेरी प्रिपरेशन थी उसको वैसे ही कंटिन्यू रखना था, भले ही थोड़ा सा टोन डाउन कर देता लेकिन कंटिन्यू रखना था। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने गलती कर दी। जहाँ मैं पहले 8-10 घंटे पढ़ता था पूरे दिन में, अब मैं 1-2 घंटे पढ़ने लग गया। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो इससे क्या हुआ, इसका फिर इफेक्ट हुआ रिजल्ट पे। जहाँ मेरी रैंक शायद टॉप 50 में आ सकती थी, वहाँ मैं 200 तक स्लाइड कर गया। तो मैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक सजेशन दूंगा कि जो भी आपका एंड गोल है, जब तक वो आप वहाँ तक पहुँच ना जाए, तब तक आप ज़्यादा रिलैक्स मत होइए, करते रहिए। भले ही आपको मन करेगा कि 1-2 दिन रेस्ट ले लें, लेकिन नहीं, करते रहिए। एक ही महीना था, अगर मैंने कर लिया होता तो शायद मेरी रैंक और अच्छी होती। तो ये मेरी स्टोरी थी, ये मेरा पूरा स्ट्रगल था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आप लोगों को कुछ 3-4 पॉइंट एक समरी के फॉर्म में दूं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा कि जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन मोड में जाने वाले हैं या तो प्रिपेयर करने वाले हैं, वो अपनी बॉडी पे, खुद पे पहले ही वर्क कर लें, खुद को प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर लें। सेकेंड ये होगा कि आप 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला तो आपको रिपीटेड रिवीजन करना है, रेगुलरली रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि जो जुलाई में सब्जेक्ट पढ़ा वो फिर सीधे दिसंबर में रिवाइज कर रहे हो। तो रेगुलर रिविजन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो आपको लगाते रहने हैं और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज़ करने हैं। थर्ड है कि आपको टाइमली टेस्ट सीरीज शुरू कर देनी है और फुल लेंथ टेस्ट आखिर तक दे लेने हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि जब तक आप अपने एंड गोल तक ना पहुँच जाएँ, तब तक ज़्यादा रिलैक्स मत होइए। 1-2 महीने की बात होती है, पढ़ते रहिए, आपका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा, ठीक है।